कोई भी कांड किया है अकेले कभी नहीं थी हम साथ में, पक्का साथ में थे। ये क्या दर्शाता है? मतलब हमारे में लीडरशिप क्वालिटी थी, लोग साथ में लेने के में बात मनाने की क्वालिटी हमारे में थी, पर वही थी जो हमारा मन था। और यहाँ डर लगता है कि हमारा मन अभी तक नहीं बना है। जिस दिन मन बन जाएगा वो दिन यहाँ भी लोग साथ में चले जाएंगे। सही बात है। yes. तो प्रॉब्लम किस चीज की है? ये पलटता रहता है, भागता रहता है। इसीलिए लोग इंसान जिंदगी में बहुत सारे काम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। इस दुनिया में जितने भी लोग आज कामयाब बड़े लोग इंसान हैं, उन सब का रिकॉर्ड देखो, उनका पेशा प्रोफेशन जब से आप जानते देखते हो तब से एक वही है। उसमें गेम से भी आउट हो गए, बर्बाद भी हो गए, घर तक लोग बिक चुके हैं, दोबारा से नहीं बोले हैं, अंधा नहीं छोड़ा। हमारी समस्या सिर्फ एक है, इसीलिए मिडिल क्लास बोले जाते हैं, कि हमारा माइंड सेट है। हम प्रॉब्लम आएगी, मुसीबत आएगी, कष्ट देना पड़ेगा, हम सोच बदल देंगे, लेकिन हम सोच के साथ अपने द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार हम समस्या को हैंडल करके चलना नहीं था। यहाँ कमजोर पड़ते हैं, फेलियर लोग नहीं है मेरे दोस्त, सही है। और विशेषकर हरियाणा का बंदा तो यार वैसे ही नहीं हो सकता। मतलब पूरे इंडस्ट्री में समझ सकते कभी जिंदगी पूछना एक व्यक्ति के लाइफ में आज तक ऐसा जिस व्यक्ति को पेरेंट्स मोटिवेटिंग नहीं किया है, तो मेरे को कभी नहीं बनाया सबने, चलिए यार कोई बात नहीं चेक नहीं बना तो बन जाएगा। मेरे भी स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस किया था, मेरे 2.5 महीने पहला चेक बना था लास्ट कंपनी में, 2.5 महीने 64 व्यक्ति को मैंने प्लान समझाया था, 64 में से एक बंदे ने फॉर्म भरा था, उसने पैसे आज तक नहीं दिए हैं। रोता का ही सुन लेना तो रहता खड़ा भाई का खुद ही है, मेरे से कुछ सीनियर बड़े हैं, अभी वो ड्यूटी पेंशन नहीं आया अभी, ठीक है, आज तक पैसे नहीं दिए, फॉर्म भरा था बस, वो आज भी नहीं जुड़ा है। जबकि रोहतक में सैनी से मेरे फेसबुक कॉन्टैक्ट ये जुड़ गए, समझ रहे हो। 1 साल 3 महीने में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में 36,200 रुपए अगला अमाउंट में भूल गया हूँ, 36,200 रुपए कमाए थे मैंने। वहां जॉब छोड़ दी थी, गवर्नमेंट जॉब जहाँ पेंशन भी थी मेरी, कितनी इनकम पे 36,000, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो मतलब रैंक गोल्ड प्लेटिनम के बीच में, मैं दो जॉब छोड़ चुका हूँ, माइंड सेट हो गया। 31 अगस्त 2009 में नौकरी छोड़ रही थी, सितंबर 2009 मेरा पैन कार्ड नंबर लेना डिटेल निकालना, वैसे सितंबर 2009 मेरी महीने की इनकम थी 1,02,120 रुपये TDS काट के। तब से लेकर आज तक मेरा बैंक अकाउंट भी वही है, बरात माता ने SBI। और 2009 सितंबर के बाद मैंने मेरे जीवन में कभी 1,00,000 रुपये से नीचे इनकम नहीं देखी है, चाहे कार्ड यूज भी किया। समझिए इजी है, करना क्या है, बात मनवानी है। हम क्या सिखा रहे हैं आपको 4 दिन से 10 कदम में, प्लान देना, फॉलो अप करना, ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन, ये तो सिखा रहे हैं, क्लोजिंग ये तो सिखा रहे हैं। यस, ये तो मैं आता है भाई, हम तो सिर्फ भूत डाल रहे हैं आपके दिमाग, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं भाई मन अगर लग गया आपका तो तुम सारे सृष्टि के मास्टर, मन नहीं लगा तुम सारे क्लियर है। यस, समझ में आ रही मेरी बात? यस। तो अभी टिकना है या फिर कहीं और किसी भाई का कोई सत्संग का सवाल डाउट तो नहीं रह गया है 4 दिन में? नो सर, नो सर। देखो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं डाउट क्लियर कर भी नहीं सकता ना क्योंकि मैं तो लगभग चांस तुक्के से कंपनी पहले आ गया, कंपनी चल गई, लोग जुड़ गए, कंपनी बड़ी बन गई, मेरा नाम बड़ा हो गया अपने आप, पहले लोग गाँव में नहीं जानते थे, आजकल हिंसा में जाने लग गए, मेरे को तो कंपनी भेज देती है, मेरी जरूरत नहीं है सिर्फ में आने,
इन्होंने साइड इन कर तो ली, पर पता क्यों बेइज्जती कंपनी मेरे को? संजू सर बोले, देख पहली बात आरामदायक कभी जिंदगी में लीडर मत बनना। बोला सर क्यों? बोले तो है ही नहीं। दूसरी बात, कभी दिमाग में कीड़ा नहीं पाकना कि तू बड़ा हो गया। सर ठीक है।